हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी ट्यूटर्स। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस वीडियो में हम लोग आरएचएस कंग्रुएंस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं, है ना। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एसएएस एंगल साइड एंगल और एसएसएस थ्योरम को प्रूफ कर चुके हैं, है ना। उसमें एक कोरोलरी भी था एंगल एंगल साइड वाला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां जाके आप देख सकते हो। यहां पे हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इसीलिए इसका नाम है आरएचएस। आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनियस और एस फॉर साइड। तो चूंकि दो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, दो राइट ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से दो राइट ट्रायंगल हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहां पे दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम लेट ये कर लेते हैं कि इसमें से जो एक ट्रायंगल है ये आपका एबीसी है, कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना। इसका नाम रख लेते हैं एबीसी और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं डीईएफ रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। तो ये दो राइट ट्रायंगल है ना, जिसमें ये आपका 90 डिग्री है और यहां पे भी 90 डिग्री है। इसके अलावा चूंकि आरएचएस नाम है तो हाइपोटेनियस भी हाइपोटेनियस के इक्वल है, एक तो 90-90 के इक्वल है, और तीसरा एक साइड हमें लेना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक साइड लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे बीसी को ईएफ के इक्वल करेंगे। आपको बता दें, थ्योरम्स जब भी करवाया जाता है तो जिस वे में करवाया जाता है वैसे ही करना होता है आपको, मतलब सिंपल वर्ड में कहें तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल है और हमें प्रूफ करना है कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए प्रीवियसली जो थ्योरम्स हमने करा हुआ है उसी की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। मतलब अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि साइड एंगल साइड हमें मिल जाए, जैसे ये वाला साइड है, और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। इसके अगर हम स्टेटमेंट की बात करें कि आरएचएस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, जो ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर आपको आएगा तो कैसा आएगा, तो इसका स्टेटमेंट है टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब दो राइट ट्रायंगल तो होना ही चाहिए, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल और एक साइड के इक्वल होना चाहिए, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। तो यहां भी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी एंड डीईएफ। गिवन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, जैसा कि दो ट्रायंगल गिवन है ना, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, तो यहां पे लिख लेंगे ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। दो ट्रायंगल गिवन है, एक है ट्रायंगल एबीसी और एक है ट्रायंगल डीईएफ। अब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें यह भी मालूम है कि जो एंगल है बी और जो एंगल ई है दोनों 90 डिग्री है, तो लिखना पड़ेगा यहां पे इन विच एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री है। एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है और दोनों क्या है, 90 डिग्री है ना। एंगल बी इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इसके अलावा एसी जो है वो डीएफ के इक्वल है, तो जो भी गिवन है ना वो लिखना पड़ेगा, एसी इक्वल टू डीएफ, एसी इक्वल टू डीएफ, बीसी इक्वल टू ईएफ, बीसी इक्वल टू ईएफ, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम यहां पे ये लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि टू प्रूफ। यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रूफ है ना, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां पे लिख लेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है ना, ये लिख लेंगे यहां पे, है ना। अब तीसरे स्टेप में हम लोग यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होता है, लेकिन यहां पे कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे ना, डीई को प्रोड्यूस करेंगे, डीई को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और कहां तक करेंगे, कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं, ये जो डी है ना इसको प्रोड्यूस करते हैं, लेट कर लेते हैं कि पॉइंट ई तक हमने करा है, मतलब जी लेट कर लेते हैं क्योंकि ई तो पहले से ही है। और फिर इसको जी को हम क्या करेंगे ना, एफ से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं जी, ठीक है। अब चूंकि हमने डी को प्रोड्यूस करा है तो 100% ये एंगल तो 90 होगा ही होगा, क्योंकि उधर वाला 90 है और एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरफ भी क्या होगा, 90, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, है ना। और ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसमें कंडीशन ये है कि जो ईजी है ना वो ए बी के इक्वल होना चाहिए,
कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ तो यूज का चीज निकालेंगे ना, तो जो ये वाला है ना जो हमने कंस्ट्रक्ट करा है ये ए बी के इक्वल होना चाहिए। हमारा जो टारगेट है ना, हमारा मेन टारगेट है एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल दिखाना, यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, इसीलिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, चूंकि कंस्ट्रक्शन हमने करा है, एक ट्रायंगल यहां पे मिल रहा है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हम पहले दिखाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले, प्रोड्यूस जो हमने किया है बस वही लिख लेंगे, प्रोड्यूस डीई टू जी, डीई टू जी सच डैट, सच डैट, सच डैट जीई इक्वल टू ए बी, इस तरीके से कि जीई जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीई इक्वल टू होना चाहिए ए बी, जी इक्वल होना चाहिए ए बी के, यानी ये वाला जो लाइन है इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, एंड इसके अलावा हमने क्या किया, हमने ज्वाइन करा है, तो एंड ज्वाइन जी एफ, ज्वाइन जी एफ, जी सी एफ को ज्वाइन करा है हमने। अब जो सबसे लास्ट स्टेप होता है इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे, और ये एक एक लाइन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, है ना, अच्छे से नोट करना है, अच्छे तरीके से नोट करना है जो भी स्टेप्स कराए जा रहे हैं, और ठीक ऐसे ही आप लोगों को याद करना है कि अगर आरएचएस थ्योरम हमें कभी प्रूफ में करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रूफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल जीईएफ दोनों को कंग्रुएंट दिखाएंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल जीईएफ इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे, तो सबसे पहले तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू जीई, ए बी इक्वल टू जीई, यानी ये जो है इसके इक्वल होगा कंस्ट्रक्शन से, तो यहां पे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद एंगल बी जो है, यानी कि एंगल ए बी सी एंगल जीई एफ के इक्वल होगा 90, तो यहां पे ये भी लिख लेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल जीई एफ, ये दोनों 90 के इक्वल होगा, कंस्ट्रक्शन से ही निकल के आया है। और तीसरा जो हम लोग लिखेंगे इसमें, थर्ड हम लोग लिखेंगे कि बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, ये तो पहले से मालूम है, बी सी इक्वल टू ई एफ यहाँ पे, है ना, तो थर्ड लिख लेंगे एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये तीसरा हो गया। देयरफोर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जीई एफ, और ये कैसे हुआ, साइड एंगल और फिर साइड SAS से, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां से जाकर के पूरा SAS थ्योरम का प्रूफ देख लेना है। तो बाय SAS, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो जो जरूरी काम है ना वो हम यहां से निकालेंगे, तो सीपीसीटी का यूज होगा पार्ट्स को इक्वल करने के लिए। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एक तो हम क्या करेंगे ना, एंगल ए को एंगल जी के इक्वल कर लेंगे और जो ए सी है उसको जी एफ के इक्वल कर लेंगे बाय सीपीसीटी। तो देयरफॉर या फिर दिस इज इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल जी एंड ए सी इक्वल टू जी एफ, ए सी इक्वल टू जी एफ बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ऐसा होगा, ए सी जो है ना, ये जो ए सी है ना ये जी एफ के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। ठीक है, अब लेकिन हम तो ये जानते हैं कि ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो यहां लिखेंगे बट ए सी इक्वल टू जी एफ, ए सी इक्वल टू जी एफ वो गिवन है ना यहाँ पे, ए सी इक्वल टू सॉरी डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ वो पहले से हमें मालूम है कि ए सी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल होगा, ये पहले से मालूम है हमें। ठीक है ना, ये जो ए सी है ये डी एफ के इक्वल होगा। तो अगर ए सी डी एफ के इक्वल है और ए सी जी एफ के भी इक्वल है तो आप ये कह सकते हो ना कि डी एफ इक्वल टू जी एफ, तो देयरफॉर डी एफ इक्वल टू जी एफ, मतलब ये जो लाइन है ना इस लाइन के इक्वल होगा। और एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग जानते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, क्या कहा मैंने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इस पूरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये पूरा एक ट्रायंगल मान लो आप, बीच वाला लाइन भूल जाओ आप, यहां से यहां तक अगर आप एक ट्रायंगल मान लो और ये एंगल सॉरी ये साइड यानी कि डी एफ और ये वाला साइड यानी कि जी एफ अगर इक्वल है तो जी एफ के अपोजिट वाला एंगल डी और डी एफ के अपोजिट वाला एंगल यानी कि जी क्या होगा, इक्वल होगा। तो डी एफ इक्वल टू अगर जी एफ है तो दिस इज इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल जी, एंगल डी इक्वल टू एंगल जी। रीजन अगर आप लिखना चाहोगे तो साइड में लिख सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल डी जो है वो जी के इक्वल आया, और यहां से देखिए यहां पे एंगल ए हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं जी के इक्वल, तो ए भी जी के इक्वल है और डी भी जी के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल भी जी के इक्वल है और ये वाला एंगल भी जी के इक्वल है, तो सिंपल सी बात है एंगल ए एंगल डी के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख भी लेते हैं बट
एंगल, बट एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, है ना, बट एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, प्रूफ डेप पहले से प्रूफ कर चुके हैं। तो दिस इज इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अब देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ए डी के इक्वल आ गया, है ना। ऑल्सो जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल, इस वाले एंगल के इक्वल, ये तो गिवन है, 90 डिग्री है, है ना। तो देयरफॉर अगर दो एंगल इक्वल है तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो बेसिक सा लॉ है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, और उसमें कोई भी दो एंगल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो 100% तीसरा एंगल तीसरे एंगल के इक्वल होगा। तो देयरफॉर थर्ड एंगल सी इक्वल टू थर्ड एंगल एफ, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ठीक है ना। यहां लिख लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में एक तो आपका बीसीईएफ के इक्वल है, बीसी इक्वल टू ईएफ, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, है ना। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, अभी प्रूफ करा हम लोगों ने, प्रूफ्ड एवव, ये लिख लोगे आप लोग, ठीक है ना। एंड एसी इक्वल टू डीएफ, जो एसी है वो किसके इक्वल है, डीएफ के इक्वल है, एसी इक्वल टू डीएफ, है ना, ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आरएचएस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको ये कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोड्यूस डी टू जी सच डैट ई जी इक्वल टू ए बी। उसके बाद हमारा टारगेट होगा कि कुछ भी करके हम ए को डी के इक्वल दिखाएं। दो एंगल अगर इक्वल है, ये तो पहले से 90 था ये दोनों, तो तीसरा एंगल सी तीसरे एंगल एफ के इक्वल होगा। उसके बाद क्या करेंगे, बीसी जो है वो ईएफ के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, और एसी जो है वो डीएफ के इक्वल है। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये था आप लोगों का आरएचएस थ्योरम। तो जो चैप्टर 7 ट्रायंगल है उसके थ्योरम्स पूरे हो गए। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, जिसमें टोटल हम लोग 5 थ्योरम में से किसी भी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। आपको बता दें, थ्योरम का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो हम लोगों ने कौन कौन सा थ्योरम करा, सबसे पहले हम लोगों ने करा एसएएस, उसके बाद हम लोगों ने करा एंगल साइड एंगल यानी एएसए, फिर उसके बाद हम लोगों ने करा एंगल एंगल साइड जो कि कोरोलरी है, थ्योरम भी कह सकते हो आप। उसके बाद फिर हम लोगों ने करा एसएसएस, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो अभी किया है इस वीडियो में, ये है आपका आरएचएस। बाकी के थ्योरम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप देख सकते हो। और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, हो सकता है कि 1 by 1 करें, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे करके करें, जैसा भी होगा अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।